आज मुझे बहुत खुशी है इस बात को आप सभी के सामने शेयर करते हुए, अपने YouTube फैमिली के साथ शेयर करते हुए, कि मेरी गाइडेंस के अंदर अनंत तोमर जी देहरादून से हैं। इन्होंने सक्सेसफुली अपना 45 डे त्राटक मेडिटेशन का कोर्स कंप्लीट किया, त्राटक की सभी स्टेजेस को बखूबी कंप्लीट किया, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि मैंने अपनी टेक्निक्स जिसको सिखाई वो सफल भी हुई, यानी कि मेरी रिसर्च भी रंग लेकर आई। क्योंकि मैं अकेले इंडिपेंडेंटली ये सोचती थी कि शायद ही मैं कभी किसी को ये बता सकूं कि ध्यान बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बहुत हद तक ध्यान को जितना प्रमोट किया उतना शायद ही कोई करता होगा। मैंने अपने इस शांति काउंसलिंग सर्विसेज के अंदर वीडियोस के थ्रू, अपने काम के थ्रू आप सभी को वो जानकारी देने की कोशिश करी जो प्रैक्टिकली साबित है, जो प्रमाण के साथ ये सिद्ध है कि यस, ध्यान बहुत कुछ कर सकता है और करने की क्षमता रखता है। ये सभी टेक्निक्स पावरफुल हैं, क्योंकि YouTube में ना त्राटक तो क्या, ध्यान स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारा ऐसा गंद लोगों ने फैलाया हुआ है, ऐसी अफवाहें लोगों ने फैलाई हुई हैं कि अगर त्राटक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, त्राटक करोगे तो वैसा हो जाएगा, स्पिरिचुअल पाथ में जाओगे तो अपनी फैमिली को छोड़ दोगे, अपने परिवार से डिटैच हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे, पागल हो जाओगे, पागल। इसीलिए ध्यान व्यान मत करो, बिल्कुल मत करो। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप सभी के सामने वो कंटेंट लेकर आती हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने देखे हैं कि क्या रिजल्ट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा क्या काम है, मैं काउंसलिंग करती हूँ, पूरे असेसमेंट के बाद एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। बट जो मैंने देखा कि सभी का इंटरेस्ट है कि मुझसे त्राटक सीखना चाहते हैं या ध्यान सीखना चाहते हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, तो क्यों ना इनको अपनी टेक्निक सिखाई जाए। क्योंकि मैंने तो पूरा रिसर्च किया है त्राटक के ऊपर, मैं नहीं मानती हूँ कि सिर्फ बिंदु को देखना त्राटक है, मैं नहीं मानती हूँ। और जो सभी मेरे अंडर त्राटक की गाइडेंस ले रहे हैं वो भी नहीं मानते हैं। तो हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं आज करेंगे, कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे, आएगा ना समय, अच्छा समय आएगा ना। समय मतलब कि मैं त्राटक वेडनेसडे को करूँगा, मैं त्राटक सैटरडे को करूँगा, वो समय कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। और वो लोग बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जिनको ना ये समझ नहीं है कि उनका अच्छा कब है, उनके लिए क्या चीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या लोग अपने अंदर क्या सामर्थ्य लेकर छुपे हुए हैं, वो नहीं जानते कि उनके लिए और भी ऐसी चीज़ें हैं जो समझने की देरी रखती हैं, तो वो लोग बहुत पीछे हो जाते हैं, उनके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग क्विक डिसीज़न लेते हैं वो बहुत जल्दी अपनी हर रास्तों में महारत हासिल करते हैं, जैसे अनंत तोमर जी ने करके दिखाया। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे जुड़कर, और मैं आज इस बात का बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने अंदर कि किसी को ना, किसी के अंदर जो डेडिकेशन मैंने देखी वो मैं आपको शब्दों में क्या बताऊँ, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी स्टेजेस हैं जो मैंने अपने बिफोर मैरिज जब मैं त्राटक करती थी, मैंने त्राटक के साथ विजुलाइज किया था, वो सब मैं आज आप सभी को कराती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने वीडियोस के थ्रू आप सभी को ऑलरेडी बताने की भी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, वो लोग मुझसे जुड़ते हैं और जुड़कर बहुत कुछ हासिल करते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि अच्छा लगता है, गुरु चाहे किसी भी तरीके से अपने शिष्य को सिखाता है लेकिन वो उससे ज़्यादा खुश होता है, यानी कि अपने शिष्य से ज़्यादा खुश होता है कि आज उसका कुछ काम सफल हुआ। और मेरे अंदर जो खुशी है वो मैं आपको जाहिर नहीं कर सकती हूँ। मैं कभी कभी सोचती थी कि अपनी रिसर्च, अपनी थेरेपीज किसी को डिस्क्लोज नहीं करूँगी, नहीं बताऊँगी, मैं क्यों सिखाऊँ किसी को, इन पर मैंने बहुत मास्टरी हासिल करी है, तो मैं नहीं सिखाऊँगी, कभी मैंने डिस्क्लोज ही नहीं किया था। बट मैंने सोचा कि मुझे बदलना पड़ेगा, अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है तो मुझे सिखाना भी पड़ेगा। तो जब मैंने अपने विज़न को चेंज किया, अपनी उस विचार को चेंज किया कि नहीं, करना चाहिए, किसी के लिए कुछ करना चाहिए, तो आज मैं भी खुश हूँ। मुझे अच्छा लगा, मुझसे जो भी लोग जुड़े हैं, जो त्राटक सीख रहे हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि जो लोग बोलते हैं ना कि पीनियल ग्लैंड कुछ नहीं होता, यानी कि आज्ञा चक्र कुछ नहीं होता, नथिंग, थाड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती है, कहते हैं लोग, मुझसे बहुत बहस करते हैं, कमेंट के साथ बहस करते हैं, इनफैक्ट फ़ोन करके भी मुझसे बहस करते हैं कि मैडम आप तो सिर्फ देखो थर्ड आई चक्र के बारे में बात करती रहती हो, हम तो नहीं मानते ये सब चीज़ें, हम तो ध्यान व्यान नहीं करते, हम तो स्पिरिचुअल पाथ को मानते ही नहीं है, और कौन इन सब चीज़ों को कर सकता है, वो भी इस समय में। बहुत तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 लोग भी नहीं मानते हैं।
पांच लोग की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत है एक अच्छे विजन को देखने के लिए। आपके अंदर भी वो सामर्थ्य होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि त्राटक क्या चीज है, ध्यान क्या चीज है। आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, जब आप देखोगे कि सिर्फ बिंदु को टकटकी लगाकर देखना त्राटक नहीं होता। यस, आप देख सकते हैं, ये इस समय जो आप देख रहे हैं त्राटक किसी भी फॉर्म में करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बिंदु को टकटकी लगाकर देखना त्राटक नहीं है। उस त्राटक को सिद्ध करना ही त्राटक माना जाता है, कि आपने अपने त्राटक से क्या सीखा और त्राटक ने आपको क्या दिया। क्या आपका कोई गोल था त्राटक करने से पहले? अगर आपका कोई गोल नहीं था तो आपने कितना समय निश्चित किया हुआ है कि आप त्राटक को इतना समय देते हैं? कई लोग 6-6 महीने से, 1.5-1.5 सालों से, 2-2 सालों से त्राटक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि उन्होंने त्राटक कर भी लिया। तो जब किसी काम को लेकर कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो उस काम में समय क्यों बर्बाद करना है? मैं सच में बोलती हूँ, जब आप फर्स्ट डे क्लास लेंगे, किसी से भी आप लीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मुझसे ही क्लास लीजिए, तो आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो साइन और सिम्टम्स दिखने चाहिए कि आपने किसी काम को किया। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर उसको पहले ही क्लास में सारा कुछ विजन दिखाई दे गया, कलर्स दिखाई दे गए और मुझे क्यों नहीं दिखे, तो ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको भी क्लैरिटी जरूर दिखाई देगी। तो त्राटक को करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग गोल के साथ आपको अपने डायरेक्शंस पर काम करने होंगे। अनंत तोमर जी से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि त्राटक में उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस देखे और किस तरीके से उन्होंने त्राटक की हर स्टेजेस को क्लियर किया, सक्सेसफुली कंप्लीट किया। जी, कभी कभी ऐसी चुनौतियां भी त्राटक करते हुए, ध्यान करते हुए सामने आती है कि कभी कभी आपका मन ही नहीं करेगा कि यार आज मैं त्राटक करूं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो चाहती नहीं है कि हमारा अच्छा हो। ये बात मैंने हर वीडियोस में कही है कि जब आप त्राटक को 10 दिन देंगे, अच्छे से देंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका त्राटक करने का मन नहीं करेगा, और वो दिन 11वां 12वां 13वां कोई सा भी हो सकता है, लेकिन वो दिन जरूर आएगा कि जब आपको त्राटक करने का मन नहीं करेगा। लेकिन उस दिन आपको अपने विचार से लड़ना नहीं है, उस पर जीत के उसको कमजोर करना है कि नहीं, मैं त्राटक करूंगा। आप थोड़ी देर का रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी चाहते यही है कि आप अपने टारगेट को सफल ना कर पाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो समय है, ये कलयुग है, और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी राज कर रही है। आज हमारा अच्छा कोई नहीं चाहता, हमारे पड़ोसी भी नहीं और हमारे खुद के ब्लड रिलेशंस भी नहीं। तो अगर हमें अपना अच्छा देखना है, तो हमें अपने ऊपर खुद के लिए काम करना होगा। और जब नेगेटिविटी हारती है ना, तब आप देखेंगे कि आपकी कैसी जीत होती है। पुरातत्व विज्ञान में ये सभी बातें साबित की गई हैं कि जब कोई भी ऋषि मुनि या फिर कोई भी साधक तपस्या करता था, तो भगवान भी उसकी परीक्षा लेते थे। तो हम तो इंसान है ना, इंसान कैसे इतनी जल्दी हार जाता है और वो कहता है कि मैं ये सब काम नहीं करूँगा। थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए, थोड़ा सा अपने विजन को अच्छे से और क्लियर बनाइए। कहते हैं कि इंटेलिजेंस हमारे अंदर ही है, जब हम अपनी सोच को अच्छी बना सकते हैं तो हम उस पर काम भी कर सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ, 45-day त्राटक मेडिटेशन का आप कोर्स ले सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं और देख सकते हैं त्राटक के ऊपर क्या क्या क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और एक महारत हासिल करिए, और वो दिन जरूर आएगा कि जब आप खुद कहेंगे कि मेरा त्राटक सिद्ध हुआ, वो मेरा त्राटक था, वो मेरा ध्यान था। कहते हैं ना कि ऐसा ध्यान, ध्यान हो तो ऐसा हो जो आपको आपसे मिला दे, जो आपको ये बता दे कि यार ये ध्यान आपके लिए है, जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस, वो भी तो ध्यान ही है ना। जब आपको अपने ऊपर काम करना है, कहते हैं ना कि जब पानी रुक जाता है तो वहां पर वो गंदगी फैला देता है, लेकिन ध्यान आपको कभी भी रुकने नहीं देता। वो आपको हर परिस्थितियों में हर फ्लो के साथ बहने की क्षमता देता है कि अब रुकना नहीं है, अब आपको ठहरना नहीं है, अब आपको स्थिरता के साथ अपने लक्ष्य पर विजय पानी है। देखिए कि बिंदु को देखना और उसको सफल और सिद्ध करना क्या क्या चमत्कार लेकर आता है। तभी तो कहते हैं चमत्कार तो है, मनुष्य मानता ही नहीं है। वो कहता है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास भी तो हम ही लोग बनाते हैं ना। और जब आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये सारी बातें सही हैं, तो आप मानेंगे भी।
बहुत सी ऐसी चीज़ें, किताबी ज्ञान भी सक्सेसफुल नहीं माना जाता, क्योंकि प्रैक्टिकली समय के साथ जितना आपका अनुभव बदलता है, समय के साथ इंसान भी बदल जाता है, उसकी सोच भी बदल जाती है, तो फिर किताबी ज्ञान क्यों नहीं बदल सकता। तभी तो रिसर्च करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने हर काम में रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि अगर 5 लोग पर ये टेक्निक हमने करी है तो क्या रिजल्ट रहा, और फिर क्यों एक बंदे पर वो टेक्निक काम नहीं करती है। तो रिसर्च बेस सारी टेक्निक्स हैं त्राटक की। तो आपको देखना है कि किस तरीके से आपको अपने लिए एक अच्छा विजन रखना है, एक अच्छी लाइफ के साथ एक गोल सेट करके आपको क्लैरिटी बनानी है। तो जुड़िए त्राटक के 45 डे त्राटक मेडिटेशन कोर्स में और देखिए कि जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं, और कैसे आप अपनी सोच को खुद से बदलने की क्षमता रखते हैं, और कैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है जो आपने कभी नहीं देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि यस इस वीडियो में कुछ तो त्राटक से रिलेटेड आपको जानकारी मिली है या फिर पॉजिटिविटी है, तो ज़रूर लाइक करिएगा। शेयर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइक ज़रूर करिए। बिना लाइक के आपका जो सपोर्ट है वो दिखता ही नहीं है। अच्छा, नमस्कार, थैंक यू सो मच।